जी हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 0.28 एम एसिड एंड 0.84 एम ऑफ इट्स कंजुगेट बेस इफ द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड इज 4 × 10⁻⁴। तो जो हमारा आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट दे रखा है हमारे पास कितना दे रखा है, के इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁴। ठीक है, तो जो हमारा ये एसिड ये हमारा क्या है, बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन फॉन्ड कर रहा है। तो जो हमारा बफर सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, तो इसमें हम पीएच के लिए क्या लिखते हैं, हेंडरसन इक्वेशन, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन में किसका, एसिड का कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब हमें पता है जो हमारा, आप देखो हमें पता है जो हमारा पीकेए इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग के ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पी के ए की वैल्यू आ जाएगा, ठीक, क्योंकि हमारा के ए की वैल्यू, ठीक है, हमारे पता है, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग। तो अब देखो यहाँ से पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए की वैल्यू कितना, 4 × 10⁻⁴। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा पी के ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, पी के ए की वैल्यू आ जाएगा माइनस लॉग, फिर ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, पी एच इज इक्वल टू 4 − log 4 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, log। ठीक है, यहाँ से देखो पी एच इज इक्वल टू माइनस log 4 × 10⁻⁴ प्लस log 0.84 अपॉन में 0.28। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.log 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा पी एच की वैल्यू आएगा 4 − 0.6 प्लस 0.48। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 3.88। पी एच की वैल्यू कितना आया, 3.88। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये जो हमने किया था, ये हमारा पी के ए की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, यहाँ से पी के ए की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली। उसके बाद ये हमने क्या किया, ये सॉल्ट की हमें कंसेंट्रेशन गिवन है 0.84 और इसका दे रखा है 0.28। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा log 3 और ये हमारा यहाँ से क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई में तो हमारा डिवाइड में कर दे, ठीक है, मल्टीप्लाई में तो हमारा प्रोडक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो प्लस में आ जाता है तो हमारे यहाँ से क्या आएगा, 4 − log 4, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद यहाँ से 0.6 प्लस ये हमारा आ गया और log 3 का 0.48 होता है, ये इसका होता है 0.6। तो यहाँ से हमने वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके हमने आंसर निकाल दिया 3.88। अगर ऑप्शन में चेक करते तो हमारा ऑप्शन कौन से मैच कर रहा है, ए के साथ, तो ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,